इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने अपने बेटे और 8 महीने की गर्भवती बहू को भी जान का खतरा बताते हुए फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने खुद की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने जारी वीडियो में यह कहा है कि हो सकता है कि उनकी हत्या आज ही रात में कर दी जाए। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है इस वायरल वीडियो में विजय मिश्रा का। आदरणीय भदोही के, उत्तर प्रदेश के तथा हिंदुस्तान के, देश प्रदेश के पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, मैं विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर भदोही से 4 बार से विधायक हूं और पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा सदस्य विधान परिषद मिर्जापुर सोनभद्र से हैं और उन्होंने अपने चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया विनीत उर्फ श्याम नारायण सिंह को चुनाव में हराया था 3 मार्च 2016 को। मेरा एकमात्र लड़का विश्व मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है। श्री विश्व मिश्रा की पत्नी को 8 माह का गर्भ है जो कभी कभी गिर पड़ रही है और बेहोशी की हालत में है, जिसकी देख रेख करना हम लोगों को दिक्कत है। गोपीगंज भदोही की पुलिस फर्जी मुकदमे में डाल करके मेरे पूरे परिवार का जीना रहना खाना दूभर कर दिया है। अब आज फर्जी ढंग से, एक मनमाने ढंग से सीजीएम के यहां जा करके स्वयं पुलिस बोल करके 164 का कलमबंद बयान कराया है और जो पूर्वांचल के माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें, हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम।